Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Hasam Ansari and you are watching Hasam Vlogs. तो गाइज मैं अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फीफा ने अपना वेबसाइट में अपना वॉलंटियर का जो वेबसाइट है पोर्टल में वो अपडेट किया है रिगार्डिंग एक्रीडिटेशन एंड यूनिफॉर्म जो 20,000 वॉलंटियर सेलेक्टेड हुए हैं लोकल एंड इंटरनेशनल उन लोगों को जो एक्रीडिटेशन और यूनिफॉर्म मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा और कौन कौन सा टाइमिंग प्रोवाइड है उन लोगों को कौन कौन सा टाइमिंग में जाके आप रिसीव कर सकते हैं तो वो सारा चीज़ अपडेट कर दिया है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में वन बाय वन करके बताने वाला हूँ कि एक्रीडिटेशन क्या है यूनिफॉर्म में क्या क्या रहेगा तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें से इसका जो पोर्टल है वॉलंटियर पोर्टल है फीफा का उसमें से मैंने 6 पॉइंट निकाला है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वो 6 पॉइंट क्या क्या है मैं वन बाय वन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, ब्रीफ एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, कि आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। अगर आप स्किप करते हैं तो पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और लास्ट में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि जो एडिडास का यूनिफॉर्म किट है उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो का लास्ट तक देखिएगा आप। हालांकि सारे जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्रीडिटेशन एंड यूनिफॉर्म। तो पहले मैं एक्रीडिटेशन के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि एक्रीडिटेशन है क्या। तो एक्रीडिटेशन का सिंपल मीनिंग अब ये आईडी कार्ड हो गया। जो आईडी कार्ड जो दिया जाएगा हम लोगों को वो आईडी कार्ड है, उसे एक्रीडिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्रीडिटेशन का जो सिग्निफिकेंट यानी इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसका इम्पोर्टेंस यही है कि ये जो एक्रीडिटेशन है एक बहुत वाइटल रोल करेगा वॉलंटियर जर्नी, आपका वॉलंटियर जो जर्नी होगा उसमें। आपको अगर आप ये एक्रीडिटेशन वेयर नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग योर शिफ्ट तो आपको कोई भी स्टेडियम या चाहे कोई भी वेन्यू में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये मस्ट है, कंपलसरी आपको वेयर करना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से वेयर करना पड़ेगा। तो और एक चीज़ और बता दूं कि फीफा ने अपने पोर्टल में एक चीज़ लिखा है जो सारा जितने वॉलंटियर है सिलेक्टेड 20,000 वो प्राउड फील कर सकते हैं कि जो फीफा का जो आइकॉनिक ट्रॉफी है ना उससे कंपेयर किया है वॉलंटियर के। जितना इम्पोर्टेंट फीफा वर्ल्ड कप है जो आइकॉनिक ट्रॉफी है उतना ही इम्पोर्टेंट वॉलंटियर लोग हैं जो फीफा को हेल्प करेंगे टूर्नामेंट को सक्सेस कराने में। तो आप समझ सकते हैं कि वॉलंटियर लोग कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो एक्रीडिटेशन है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको पहन के जाना पड़ेगा जब आपका शिफ्ट होगा वहाँ पे। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको कोई भी स्टेडियम में आपको एंट्री नहीं मिलेगा, तो आप ये ध्यान में रखिए। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग क्या है वो मैं बताऊँगा आपको इस पॉइंट में। तो इसमें क्या होगा कि फीफा ने आपको एक इन्विटेशन भेजेगा, जब आपको इन्विटेशन आएगा तो उसमें क्या होगा टाइम स्लॉट होगा, यानी टाइमिंग आप बुक कर सकते हैं कि कब आपको जाके आपका यूनिफॉर्म और एक्रीडिटेशन कलेक्ट करना है कतर कन्वेंशनल सेंटर जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे अलकासर मेट्रो स्टेशन के पास से ही है, कतारा के नियर है, तो वहाँ से आप जाके कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जब इन्विटेशन आ जाएगा तो आपने स्लॉट बुक कीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या लिखा गया है कि अगर आप स्लॉट बुक नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाके अपना एक्रीडिटेशन एंड यूनिफॉर्म आप कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का टाइमिंग और स्लॉट है वो मैं आप लोग को अपना स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आप ये स्क्रीन पॉज करके आप मजा से देख सकते हैं। आप मेरे स्क्रीन पर आप देखिए कि ये कब मिलेगा, कब से स्टार्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन टाइमिंग, कौन सा डेट है, कितना कितना बजे मिलेगा, कौन कौन सा दिन मिलेगा। तो आप ये वीडियो पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूनिफॉर्म पीस टू वेयर ड्यूरिंग योर शिफ्ट, ठीक है। तो ये मतलब ये थर्ड पॉइंट क्या है कि आपका मिनिमम जितना मतलब जितना आपका यूनिफॉर्म किट रहेगा उसमें से मिनिमम एटलीस्ट चार चीज़ है वो वेयर करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ नहीं वेयर कर रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, तो चार चीज़ एटलीस्ट आपको पहनना पड़ेगा अगर आपका शिफ्ट में जाना है। तो अगर जा रहे हैं तो कहीं पे भी आपका जो शिफ्ट है कहीं पे स्टेडियम है तो चार चीज़ आपको ये कंपलसरी आपको पहनना पड़ेगा। एक हो गया आपका हाफ टी शर्ट, दूसरा हो गया ट्राउजर, तीसरा हो गया शूज और चौथा हो गया सॉक्स। ये चार चीज़ आपको पहनना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम है, आपको कंपलसरी पहनना है। आप इतना नहीं पहनते तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी स्टेडियम में। फोर्थ पॉइंट हो गया वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस। अगर आप कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हैं लाइक अभाया हो गया, तोप हो गया, चाहे पंजाबी लोग टर्बन पहनते हैं,
तो ये सब चीज पहन सकते हैं, फीफा वाला ने इस पे बैन नहीं किया है, लेकिन एटलीस्ट एक ना एक चीज आपको जो यूनिफॉर्म किट दिया गया उसमें से आप पहनिए, लाइक शूज जो विजिबल हो, शूज हो गया, ट्राउजर हो गया, लाइक विजिबल हो। अगर आप एक पहनते हैं तो जो फीफा का वॉलंटियर टीम है उन लोग को पता चल जाएगा कि आप वॉलंटियर हैं। तो इसलिए आपको मिनिमम एटलीस्ट एक ना एक चीज आपको पहनना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है लॉस्ट एंड डैमेज, लॉस्ट एंड डैमेज योर एक्रेडिटेशन और यूनिफॉर्म। तो इनकेस अगर आप अपना जो एक्रेडिटेशन मिला है आपको अगर वो गुम हो जाता है, चाहे आप डैमेज कर देते हैं कहीं पे टूट जाता है, तो आप उसको कैसे क्लेम करेंगे, कहाँ पे जाए कंप्लेन करेंगे, ठीक है। तो कंप्लेन करने का जगह वही है जहाँ पे ट्रेनिंग रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे फीफा का जो एक्रेडिटेशन सिक्योरिटी अथॉरिटी है वहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, और वहाँ से जब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको फिर नया इशू किया जाएगा आपका जो एक्रेडिटेशन है वो। और ये विदिन अगर लॉस्ट हो जाता है तो विदिन 24 आवर आपको जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। और अब चलते हैं यूनिफॉर्म के बारे में बात करें। यूनिफॉर्म अगर डैमेज है, फैक्ट्री डैमेज है, आप वहाँ से गए कलेक्ट कर लिए अपना यूनिफॉर्म, घर पर ला कर जब ट्राई करें, चेक करें, कुछ भी करें, तो आपको पता चल रहा है यार ये तो फैक्ट्री डैमेज है, ये तो फटा हुआ है, तो आप जाकर वहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट में यूनिफॉर्म किट एडिडास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा लोगों को क्यूरियोसिटी है, जितने वॉलंटियर हैं उन लोगों को क्यूरियोसिटी है कि जानने के लिए कि इसमें इसके अंदर क्या क्या है। तो मैं अब आप लोग को इसके अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ बताने वाला हूँ। फीफा ने अपने वेबसाइट में अपडेट कर दिया है, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके आप मजा से देख सकते हैं। तो ये वीडियो को देखते रहिए। तो इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है। तो इसमें टोटल 12 पीस इंक्लूड्स है। फर्स्ट हो गया आपका टू हाफ टी शर्ट रहेगा इसमें, ठीक है, टू आपका हाफ टी शर्ट रहेगा। और दूसरा नंबर में होगा एक लॉन्ग स्लीव शर्ट रहेगा, लॉन्ग जो लॉन्ग टी शर्ट होता है वो रहेगा। और तीसरा नंबर में हो जाएगा ट्रैक जैकेट रहेगा, ठीक है, जो लॉन्ग जैकेट होगा वो ट्रैक जैकेट नहीं सॉरी ट्रैक जैकेट हाफ जैकेट। वन हो गया रेन पार्का यानी लॉन्ग जैकेट जो रेन जैकेट होता है। और दो हो गया आपका ट्रैक पैंट्स रहेगा, दो ट्रैक पैंट्स रहेगा, दो बॉल कैप्स रहेगा यानी दो कैप जो हम लोग लगाते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट दिया जाएगा। एक रहेगा सेट ऑफ सॉक्स, उसमें तीन पेयर्स होगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा वन पेयर ऑफ शूज, एक शूज रहेगा। और लास्ट में रहेगा वन क्रॉस पैक, मतलब जो बैग होगा साइड बैग वो रहेगा। तो ये सब चीज़ वो एडिडास के जो यूनिफॉर्म किट रहेगा उसमें इंक्लूड्स रहेगा। टोटल 12 पीस हैं, ठीक है। तो ये जब आप जाकर कलेक्ट करेंगे आपको मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ऐसे अपडेट के लिए प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।